तो बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं, कई सारे और अवैध निर्माण है। अनिल परब सरकार के मंत्री, उद्धव सरकार के, प्रताप सरनाईक उद्धव सरकार के मंत्री, दाऊद इब्राहिम का आखिरी पता, भिंडी बाजार का मुसाफिर खाना, उसको भी कोर्ट के आदेश के बाद नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन आनंद फानन में कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया जाता है बदले की कार्रवाई के लिए। अब से थोड़ी ही देर बाद हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने कल बीएमसी की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी, हालांकि कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा था कि ये पूरा मामला हाईकोर्ट के अंदर है, आप इंतजार करिए 12:30 बजे तक हाईकोर्ट की सुनवाई का। लेकिन बीएमसी को पता था हाईकोर्ट रोक लगा देगी, इससे पहले ही कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी गई। आपने देखा कि साल में कर दिया गया है कंगना का दफ्तर, और अब 3 बजे अब से थोड़ी ही देर बाद सुनवाई होने वाली है। कंगना और रंगोली ने इसके लिए पूरी रणनीति बनाई है, जानने के लिए सीधे चलते हमारे सहयोगी राकेश पांडे के पास। राकेश, रंगोली इस दफ्तर को देख कर गई है, क्या लीगल आर्ग्यूमेंट वो कोर्ट के अंदर लेने वाली है? क्या जिस तरह से दाऊद की इमारत नहीं गिरी है, जिस तरह से अनिल परब का अवैध निर्माण है, प्रताप सरनाईक का अवैध निर्माण है, मनीष मल्होत्रा के घर का अवैध निर्माण है, क्या ये मुद्दे वो कोर्ट के अंदर उठा सकती है हाई कोर्ट में? निश्चित तौर पर रंगोली आई थी दीपक जी अपने लीगल टीम के साथ, वो अंदर गई थी, करीब 10 मिनट तक रही थी, और जाहिर सी बात है कल जिस तरीके से बुलडोजर चला, जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, उसको उन्होंने देखा। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, और सबसे बेहतर होता है ना, वो कहते हैं कि अगर उजाले की हकीकत जाननी है, अगर उजाले का सच जानना है तो बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए, चिराग तले देख लीजिए, अगर अंधेरा है तो समझिए उजाला ठीक से कायम नहीं है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, मैं चाहूँगा आरिफ मेरे साथ आ जाए, कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूँ किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। अब यहाँ से दीपक जी आप तस्वीरें देखिए, जो अंदर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आप देखिए ये छज्जा तोड़ा गया था, आरिफ चढ़ जाइए आप ऊपर, और यहाँ से दीपक जी को तस्वीरें दिखाइए, और निर्देशन के जरिए देश के दर्शक देखें, आप देखिए किस तरीके से ये मलबा नीचे गिरा हुआ है, छज्जा जो तोड़ दिया गया, रेलिंग जो तोड़ दी गई, और मैं चाहूँगा थोड़ा सा आरिफ आप नीचे घुसकर उस मंदिर की ओर भी आप जूम करिएगा कैमरे को, वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है, और इसका तस्वीर भी शेयर की थी कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल से। इसके आसपास का जो स्ट्रक्चर था, प्रतिमा को इन्होंने छोड़ दिया बीएमसी के लोगों ने, लेकिन जो आसपास का स्ट्रक्चर था उसे तोड़ दिया, कुछ कर्मचारी सुबह मौजूद थे, बिजली का काम जो चूंकि अब जाहिर सी बात है जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई तो बिजली चली गई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोरेशन का वो काम कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कल किस तरीके से बीएमसी की बेशर्मी यहाँ पर चली है। छज्जा का जिक्र कहीं नहीं था, रेलिंग का कहीं जिक्र नहीं था, उसके बाद तोड़फोड़। और मैंने उजाले की हकीकत जानने के लिए दीपक जी क्यों कहा कि चिराग तले अंधेरा, बलबीर सिंह जी को बोलिएगा कि वो तस्वीरें देखें, सारे देश के लोग देखें, आप तमाम इमारतों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये कंगना का दफ्तर है, कंगना का ये प्रोडक्शन हाउस, इसके ठीक बगल में जरा आरिफ दिखाइएगा, आरिफ दिखाइए, इधर दिखाइए, इसके ठीक बगल में मनीष मल्होत्रा का बुटीक है, देखिए ये दीवार सटी हुई है, दोनों को एक जैसा नोटिस मिला था दीपक जी, लेकिन मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का समय दे दिया, कंगना रनौत को समय नहीं दिया। ये जो केबिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस केबिन को लेकर बीएमसी का ऑब्जेक्शन है कि आखिरकार ये केबिन यहाँ पर क्यों है। ठीक ऊपर जो है जो छज्जे की तस्वीर, आरिफ इधर आ जाइए, ठीक ऊपर जो है वो तस्वीर, आधे छत पर टीन का शेड डाला हुआ है दीपक जी, उस टीन के शेड को लेकर बीएमसी का ऑब्जेक्शन है। एक और तस्वीर, आरिफ जरा इधर आ जाइए, एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये व्हाइट कलर का गेट है और इसके अंदर एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे के डायरेक्शन को लेकर, आरिफ इस दरवाजे के डायरेक्शन को लेकर भी ऑब्जेक्शन था बीएमसी का, दरवाज़ा इधर नहीं होना चाहिए था, लेकिन मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का समय दे दिया गया, तो सवाल ये उठता है, आरिफ इधर आ जाइए, सवाल ये उठता है कि मनीष मल्होत्रा के साथ इतनी रियायत क्यों, इतनी रियायत क्यों? मनीष मल्होत्रा करण जौहर के अच्छे मित्र हैं, करण जौहर कौन, जिनका जो बेहतर तरीके से खानवुड में फिट है, तो हम लगातार सवाल ये कर तो रहे हैं कि अगर बॉलीवुड और मुंबई में रहना है तो क्या खानवुड में फिट रहना होगा? मनीष मल्होत्रा को देखिए समय मिल गया, कंगना रनौत को समय नहीं मिला, और जो बलवीर जी ये लगातार सवाल कर रहे थे उनसे पूछिएगा जरूर कि वो डिग्री कहाँ से लेकर आए हैं, उनसे ये भी पूछिएगा कि हमारे शो में जिस दिन मैं एंकरिंग कर रहा था दीपक जी, संजय गुप्ता एक इनके नेता है जो पहले प्रवक्ता भी हुआ करते थे ऑफिशियली, उन्होंने नाम लेकर 1.5 घंटे तक मेरे साथ ये कहा कि कंगना रनौत को मैं थप्पड़ मारूंगा, तमाचा मारूंगा, 1.5 घंटे तक वो लगातार कहते रहे। बलबीर सिंह से ये भी सवाल करिएगा कि उन्होंने कहा कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कंगना रनौत का नाम नहीं लिया संजय राउत ने, इतनी बेशर्मी, इतनी मासूमियत वो लाते कहाँ से हैं, और अगर कहते हैं कि सिर्फ लड़की का नाम लिया संजय राउत ने तो उनसे पूछिएगा कि वो लड़की इनके हिसाब से कौन है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि बात सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है, बात देश की हर एक महिला उसके सम्मान की है, तो जरा उनसे ये भी पूछिएगा कि उनके हिसाब से लड़की कौन है। ठीक है, जवाब दीजिए, सीधा सवाल है राकेश पांडे जी का आपसे, बलवीर जी, राकेश का, बलवीर जी, और वो तो जन्नत की हकीकत दिखा रहे हैं जो सबको पता है कि शिवसेना ने कितना अत्याचार किया है। करना तो कठिन है कि वो लड़की कौन है,
ये सर्च करना तो कठिन है कि वो लड़की कौन है। नहीं नहीं, ये सर्च करना साबित करना कठिन है, लेकिन आप बेशर्मी से बंदी थी यहाँ पर। ये जो डिबेट हो रही है, संजय राउत ने कंगना रनौत का नाम लेकर सवाल पूछते हैं हमारे सहयोगी वहाँ पर, विकास सवाल पूछते हैं, सुभाष सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं कंगना रनौत का नाम नहीं लिया, इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं आप? आप सामने लाइए ना वो जो आपने जो सवाल किया है वो लाइए ना, कंगना रावत का नाम लेकर। सुनवा दीजिए भाई, एक बार फिर सुनवाते हैं, क्यों करके रखिए दोनों भाई, क्यों करके रखिए। मैं विकास श्रीवास्तव के पास चलूंगा, विकास श्रीवास्तव माफी मांगने की बात आपने कंगना के बारे में की थी, बता दीजिए विकास खड़े हुए हैं, किसके संदर्भ में बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, और कंगना रानावत को ही संजय राउत ने हराम खोर कहा था बलवीर सिंह जी? विकास श्रीवास्तव नहीं जी, कोई दूसरी वजह तो हो ही नहीं सकती थी मेरी संजय राउत से मिलने के लिए, जब उन्होंने इतने गंदे अपशब्द कहे एक महिला के लिए, और इसी वजह से मेरा उनसे मिलना हुआ था। मैंने कैटेगरिकली नाम लेकर पूछा कि आपने कंगना का अपमान किया है, क्या आप अभी भी अपने बयान पर कायम हैं या फिर आप अपना बयान वापस लेते हैं, क्या आप माफ़ी मांगेंगे? ये मेरे सवाल थे जिसका जवाब देना उन्हें कठिन हो रहा था, इसीलिए उन्होंने पूरी बात को इमोशनल एंगल दे दिया। वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे, अकड़ उस समय अगले दिन भी उनके पास थी। तो ये कहना बलबीर सिंह जी का कि ये पूरा सब कुछ कंगना के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ है, ये बिल्कुल बेमानी लग रहा है, बिल्कुल बेमानी लग रहा है। क्योंकि एक मिनट, बलबीर सिंह यहाँ पर कानून की बारीकियों का इस्तेमाल करके अदालत में कोई दलीलें नहीं दे रहे। अच्छा बलबीर सिंह जी, चलिए मान लिया कंगना रनौत को हरामखोर नहीं कहा, सुने समझ में नहीं आता, ठीक है बलवीर सिंह जी, चलिए आपका तर्क मान लिया, मैंने एक अच्छे वकील हैं आप, मैंने तर्क मान लिया कि कंगना रनौत को हरामखोर नहीं कहा, तो किसको हरामखोर कहा संजय राउत ने अपने स्टेटमेंट में? अब ये तो उसका विषय है, खोज का विषय है कि किसको कहा, इतनी जल्दी इसकी खोज नहीं हो सकती है, कि किस कॉन्टेस्ट में उन्होंने कहा और किस लिए कहा, तो ये तो खोज का विषय है, इसकी तो खोज होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल इसमें बलबीर सिंह जी, मेरी माँ एक कहावत बोला करती थी, आंखों के अंधे और नाम नयन सुख, मेरे ख्याल से शिवसेना का हाल यही हो गया है, आंखों के अंधे और नाम नयन सुख, दिख रहा है, बोला है, कहना नहीं चाहते। रेखा अग्रवाल जी क्या कहेंगी संक्षेप में? मैंने बाइट फिर रेडी करा ली है, बलबीर सिंह जी कह रहे कंगना को तो हरामखोर कहा ही नहीं संजय राउत ने, देखिए और बाद में संजय राउत ने कहा एक चैनल पे कि हरामखोर का मतलब क्या होता है, नॉटी गर्ल। संजय राउत ने कंगना रनौत जी, देखिए अगर संजय राउत ने शब्द ओपनली पब्लिक के अंदर कहा है उस पर कोई शक नहीं है, अगर बलबीर सिंह का कहना है कि उन्होंने कंगना रनौत को नहीं कहा, किस रोल में है बलबीर सिंह जी, तो ये बातें कोर्ट कचहरी में देखी जाएंगी जिस समय कोर्ट में केस चलेगा। अभी सबसे पहले दीपक जी अभी सबसे पहले प्रथम दर्शीय कोर्ट देखता है कि प्राइमा फेसाई क्या केस बनाए। प्राइमा फेसाई संजय राउत ने कंगना रनौत को ये गंदे शब्द इस्तेमाल करे हैं, उनके ऊपर धारा 354 में यौन उत्पीड़न का केस बनता है जिसकी सजा 3 साल है, 354A, धारा 354A भारतीय दंड अधिनियम केस बनता है। अगर कंगना रनौत को नहीं कहा, किसी और महिला को कहा, तो ये बात संजय राउत कोर्ट के अंदर साबित कर सकते हैं जब उनके ऊपर केस चलेगा। अभी पहले प्रथम दर्शीय प्राइमा फेसाई उन्होंने कंगना रनौत को ही ये शब्द कहे हैं, बाकी बात कोर्ट में देखी जाएगी। बताइए बलवीर सिंह जी, 354A यौन उत्पीड़न, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, मेरे सामने रखी है। However, assault or uses criminal force to any woman, ये कि किसी criminal force को use करने के लिए अगर वो महिला सामने मौजूद है, बलबीर सिंह जी, बलबीर सिंह जी, धारा 354A का चौथा चक्र पढ़िए, उस महिला पर केस नहीं है कि कंगना रनौत जी उन्होंने criminal assault किया। बलबीर सिंह जी 354A के अंदर असॉल्ट के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है मेरे सामने, इंडियन पीनल कोड है, उस महिला पर अश्लील टिप्पणी करना, छींटा कसी करना, इसके अंदर धारा 354A का मुकदमा बनता है। फिजिकल असॉल्ट करना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर वो फिजिकली आघात करे। संजय राउत ने जो ये छींटा कसी करी है, जो अश्लील टिप्पणी करी है, वो यौन उत्पीड़न की संख्या के अंदर आता है, 3 साल की सजा है उसके अंदर। आप क्या बात कर रहे हैं कि वहां पे कंगना रनौत मौजूद नहीं थी, उसके ऊपर कोई आघात नहीं करा है, कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं करा है,
ये देखिए मैडम, आपका अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है और प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल ओपिनियन हमेशा डिफर करती रहती है। परवीर सिंह जी अगर ऐसा केस लड़ेंगे तो शिवसेना जनता की अदालत में हार जाएगी। बलवीर सिंह जी ऐसा केस लड़ेंगे तो शिवसेना जनता की अदालत में हार जाएगी। कैसी वकालत कर रहे हैं आप तो संजय राउत को सीधे जेल पहुँचाएंगे, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में संजय राउत को जाना पड़ेगा अगर आप जैसे वकील मिल जाएंगे उनको तो। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है दीपक जी, कभी नहीं जेल जाना पड़ेगा ना जेल की रोटी खाना पड़ेगा उनको, उन पर क्रिमिनल असॉल्ट का सर किसी कोर्ट तरह का में जो भी हो जाए नहीं है। बलवीर सिंह जी, शिवसेना को भी जनता की अदालत में जाना पड़ता है, बाकी पार्टियों को भी जनता की अदालत में जाना पड़ता है। आज आप जनता की अदालत में हारे हुए हैं कंगना रनावत के केस के मामले में, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। राकेश मेरी इस बात को सेकंड करेंगे, क्यों राकेश, क्या लगता है आपको? भाई आप जज हैं, आप जज हैं इसके, तो आप चाहे जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ये केस हार चुके हैं, आप है ना, ये केस हार चुके हैं संजय राउत, ये केस हार चुके हैं उद्धव ठाकरे, जनता की अदालत का केस हार चुके हैं। मैं पिछले दो दिन से लगातार यहाँ पर मौजूद हूँ, लगातार मैंने बाइक भेजी है, यहाँ पर लोग आए थे मुंबई के अलग अलग इलाकों से, स्वस्फूर्त लोग आए थे, वो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत हुआ, शिवसेना और संजय राउत की बाप की नहीं है मुंबई। और देखिए ये दरअसल विवाद आज और क्यों उखड़े हैं और कंगना रनौत के खिलाफ केस क्यों दर्ज हुआ, क्योंकि कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर ये कहा कि आपके पिता ने जो नाम कमाया उससे आप दौलत तो कमा लिए लेकिन इज्जत को आप गंवाते जा रहे हैं, और वाकई ये स्थिति है। एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाह रहा था दीपक जी, जो लगातार रोमान तस्वीरें दिखा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी से, सुशांत सिंह की मौत के बाद, उनके निधन के बाद अपने चैनल पर बातचीत करते हुए मैंने उनसे पूछा था कि कंगना रनौत ने नेपोटिज्म की बातचीत कही, बॉलीवुड में किसका गैंग चलता है, ये बात मुझे याद क्यों आई, क्योंकि देखिए मनीष मल्होत्रा के बिल्डिंग को उनको कोई नुकसान नहीं, उनको 7 दिन का जवाब, मनीष मल्होत्रा, करण जौहर, खान बोर्ड और सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं बिल्कुल बॉलीवुड में गैंग चलता है। मैंने पूछा कौन सा गैंग, तो वो बोलते हैं दाऊद गैंग वाले लोग, तो इसीलिए दाऊद की बिल्डिंग नहीं गिर रही है, इसीलिए जो खान बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, और इसीलिए तो हम लगातार कह रहे हैं क्या खान गैंग के इशारे पर शिवसेना सरकार चला रही है क्या मुंबई में? बताइए बलवीर सिंह जी, बाला साहब ठाकरे तो दाऊद के खिलाफ खड़े हो गए थे, उनके बेटे क्यों खड़े दाऊद के साथ? देखिए अपनी अपनी ओपिनियन है, ये तो जनता की ओपिनियन है, पक्ष विपक्ष दोनों होता है सत्ता। अच्छा, में ठीक है बलवीर सिंह जी, बहुत गंभीरता से एक सवाल पूछता हूँ, आप कानूनी मामलों में मामले को भले अड़ा दें, फंसा दें, कोई भी आर्गुमेंट दे दें, लेकिन मुझे बताइए आज तक अपने जीवन काल में आपने शिवसेना की इतनी बेइज्जती, इतनी किरकिरी, इतना अपमान, इतनी थू कि मुंबई के लोग आपके खिलाफ, आम लोग सड़कों पर निकल कर आ जाएं, अपने पूरे जीवन काल में क्या देखा है? देखिए शिवसेना सड़कों पर काम करने वाली पार्टी है, सड़कों पर उतर कर काम करने वाली पार्टी है, वहाँ गाली देने वाले भी मिलते हैं, प्रशंसा करने वाले भी मिलते हैं, तो दोनों लोग मिलते हैं, उससे शिवसेना घबराती नहीं है, वो तो अपना काम अपने रास्ते पर चलकर अपना काम करती रहती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आज से पहले इतना अपमान, इतनी थू, इतनी चीचा लेदर, आवाज आपकी नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी बलवीर सिंह जी, वो तो पता है ऐसे ही टाइम आपको आवाज नहीं आएगी। मैं फिर कहता हूँ बलवीर सिंह की पार्टी है मैदान में उतर करके, मैदान में उसको लोग प्रशंसा भी करते हैं और आलोचना भी करते हैं, दोनों सुनने पड़ते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था, चाहे तो आप वक्त ले लीजिए, ब्रेक के लिए जा रहा हूँ, जवाब सोच लीजिएगा। कंगना रनौत के मामले में जितनी छीछा लेतर, जितनी किरकिरी, जितना अपमान, जितनी लोगों का विरोध आपको झेलने को मिला है, क्या बलवीर सिंह जी शिवसेना के इतिहास में मुंबई में कभी शिवसेना की इतनी किरकिरी, इतनी बेइज्जती, इतनी छीछा लेतर पहले कभी हुई है? ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब लूंगा, अगर नहीं सुना हो तो व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको सवाल, ये मत कहिएगा आवाज नहीं आ रही है। ब्रेक के बाद